आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में। जी हाँ, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में, कौन है ये, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, और प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये भागीदार बन रही हैं बीजेपी की तरफ से, और इसके बारे में सारी चर्चा होगी। इससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म 20 जून 1958 एक भारतीय राजनीतिक के रूप में हुआ। वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। वह 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आधिकारिक उम्मीदवार हैं, यानी कि जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं उसकी उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से। उन्होंने पहले 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ये उस समय पहली एसटी महिला थी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी थी झारखंड में। उड़ीसा राज्य से आने वाले मुर्मू 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले झारखंड के पहले राज्यपाल हैं और पहले व्यक्ति हैं जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद पर मनोनीत होने वाले भी ये पहले जनजाति के रूप में हैं। द्रौपदी मुर्मू, जिनका चित्र आप देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू का झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में ये रह चुकी हैं। इनका कार्यकाल था 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक। उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे थे। और इसके अलावा व्यक्तिगत विवरण के बारे में बात करें तो 20 जून 1958 यानी कि उम्र 64 साल है। बेदापोसी मयूरभंज ओडिशा भारत में ही पैदा हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। जीवन साथी का नाम है श्याम चरण मुर्मू, जो मृतक हैं इस समय, अब है नहीं। इनके बच्चे 3 हैं। शिक्षा इनकी बीए है। मात्र संस्था है रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, यानी कि यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। पेशा शिक्षक का है। 2000 से 2002 तक ये उड़ीसा राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। 2002 से 2004 के बीच में उड़ीसा राज्य मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में बिरंची नारायण टुडू के घर हुआ था। उनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान थे। द्रौपदी मुर्मू ने श्याम चरण मुर्मू से शादी की। दंपत्ति के 2 बेटे थे जिनमें से दोनों की मृत्यु हो गई और 1 बेटी। मुर्मू शिव भक्त थे। करियर के बारे में बात करें, मुर्मू ने राज्य की राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में शुरुआत की। जी बात, ये बात ध्यान रखने वाली है कि बहुत से जो हमारे देश में पॉलिटिशियन हैं पहले ये शिक्षक के रूप में रह चुके हैं, उसके बाद ही अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाते हैं। राज्य की राजनीति में ध्यान दें तो मुर्मू को 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद के रूप में चुना गया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उड़ीसा में बीजेपी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वह 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से मई तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थी। वह उड़ीसा के पूर्व मंत्री हैं और 2000 से 2004 में रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उन्होंने 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलखंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गवर्नर के पद पर भी वह कार्य कर चुकी हैं। वह झारखंड की पहली राज्य महिला राज्यपाल थी। वह भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली उड़ीसा की पहली महिला आदिवासी नेता थी। 2022 यानी कि वर्तमान का राष्ट्रीय राष्ट्रपति अभियान में, ये जून 2022 में भाजपा ने मुर्मू को अगले महीने 2022 के चुनाव के लिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी जो फाइट होने वाली है, यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्शन की जो फाइट है, वो यशवंत सिन्हा और इनके बीच होने वाली है। और यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को चुना है, जो कि पहले बीजेपी के सदस्य थे और अब यूपीए ने इन्हें अपना एक उम्मीदवार के रूप में उतारा है मुर्मू के खिलाफ। अब देखते हैं जीत किसकी होती है
और वैसे मुर्मू जी की जीत तय लग रही है। तो ये थी इनके बारे में पूरी जानकारी। तो आपको ये कैसी लगी पूरी जानकारी आप जरूर कमेंट में बताएं और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।